हेलो एवरीवन, सैमन दिस साइड. आज हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है या सबसे पहले जॉब करके एक्सपीरियंस लेना है. बिकॉज आई हैव रिसीव सो मेनी इंक्वायरीज फ्रॉम जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या जो MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, इंटरेस्टेड ट्रेड में कर रहे हैं. इनका क्वेश्चन आता है कि सर पहले जॉब करके कुछ एक्सपीरियंस लेंगे फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे. तो ये वीडियो उनके लिए कि सबसे पहले करना क्या है. अगर आप कंफ्यूज हो तो मैंने खुद ने MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस किया है. मैंने 2014 में एंड उसके बाद कंप्लीट किया था 14 में मैंने. उसके बाद मैंने खुद का कंपनी स्टार्ट किया. मैंने इंटर्नशिप किया था एक कंपनी में. तो उसके एक्सपीरियंस बताता हूँ ऑन दैट बिहाफ की क्या है. बट उस लाइक होता है ना, लाइफ में आप छोटी छोटी चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं पहुँच जाते हो. तो आज के डेट में मेरा दिल्ली में कंपनी है, मेरा बॉम्बे में है एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी इन सिंगापुर जो राइस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर ही है सारा. तो वो चीज़ें दिखा दूंगा मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह. मैं कौन से कम्युनिटी में काम करता हूँ, कब से कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. वो अपने बारे में बताने के लिए नहीं हो, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते कि जॉब करना है या आपको बिजनेस करना है. सो अंडरस्टैंड, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपके लिए कि व्हाई डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंपनी. मतलब क्यों करना है, एक्सपोर्ट क्यों करना है. अगर आपका आंसर सिर्फ ये रहेगा कि हाँ मुझे पैसे कमाना है, तो देखिए रातों रात करोड़पति नहीं बनने वाले बॉस. मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में पैसा है, नो डाउट, बट द वे यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि कर क्या रहे हो, करना क्या है. ऐसे नहीं कि आगे एंटर कर ले कि रातों रात भाई मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, वो कर दूंगा, एकदम रिच हो जाऊंगा. ऐसा नहीं होगा बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं होता है. अब सबसे पहला है कि क्यों काम करना है आपको, ये याद रखना. इसका आंसर आप खुद ही सोच लेना कि क्या करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है. तो मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ये वीडियो बताता हूँ आपको. उसके बाद आता है व्हाट्स योर गोल. अब आप बोलते हो कि बहुत सारी वीडियो देखते हो कि गोल का क्या काम है, एक प्रोडक्ट है मैं बेचूंगा पैसे कमाऊंगा. नहीं, अनटिलनेस आपके गोल ही क्लियर नहीं ना आपको, कि आपको करना क्या, कहाँ तक पहुँचना है, क्या चीज़ है आपके, तब तक तो काम नहीं होगा बॉस. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बारी है. उसके बाद आपको उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे जाओ. अब दुनिया में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो ऑलरेडी किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा. हर कोई किसी के पास आइडिया होता है, हर बोलता है मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा. बॉस आपसे पहले बहुत सारे लोग बैठे हुए, कोई इंप्लीमेंट करता है, कोई इंप्लीमेंट करते करते रह जाता है, राइट. तो आपको इसमें डिफरेंशिएट कैसे लाना है. किसी भी बिजनेस का थंब रूल है, आप बिजनेस में हो एट द टाइम ऑफ सेलिंग आप कितना डिफरेंशिएट कर सकते हो, लोगों से कितना यूनिक चीज़ें कर सकते हो. ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे सो दैट भूलूँ नहीं, तो इसलिए थोड़े से पॉइंट्स बनाए. उसके बाद होता क्या है, हमारी मेंटेलिटी वो होती है कि जो बाकी के लोग करते हैं ना एक्सपोर्ट में, हमको भी वही करना है. अब आपने यूट्यूब पे देखा होगा किसी की सक्सेस स्टोरी, हमने ये कंटेनर ओनियन का लगाया, हमने ये लगाया, हमने फ्रूट्स वेजिटेबल कर दिया, हमने इतना काम इस कंट्री में कर दिया. तो अगर वो बंदा उसमें कर रहा तो आप क्यों जा रहे हो उसमें. क्योंकि न्यू कमर का कैसा होता है कि वो इनिशियली थोड़ा कमाता है, क्योंकि बाकी के लोग वॉल्यूम में काम करते हैं. तो आपको या तो प्रोडक्ट ऐसा चूज करो जहाँ पे हाई मार्जिन हो आपका एंड क्वांटिटी का वो हो. ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट आता है आपको कि मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एकदम से रातों रात होता है ना, मैंने जैसे बताया अमीर हो गए आपका, एकदम से आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट हायर साइड पे जाता है, 200% प्रॉफिट, 300% प्रॉफिट, यस देर आर. बट आप ये भी तो सोचो उसका फ्रिक्वेंसी कितना है, कि वो बार उस प्रोडक्ट का कितना ऑर्डर आपको बार बार देता है. अब आपका बेटर लीव्स होता है खाने का पान, वो पान का कॉस्ट ही 1 से 2 रुपए में मिल जाता है. आप 5 रुपए का भी बेचोगे कितना मंगवाएगा, 1 घंटा तो भर के मंगवाएगा नहीं. अब एक स्मॉल कंसाइनमेंट जाता है, ठीक है वो तो चला जाएगा. मैंने अभी एक प्रीवियस वीडियो पे भी एग्जांपल दिया था कि सपोज आप साइकिल्स बना रहे हो, एक बार ऑर्डर चला गया तो नेक्स्ट ऑर्डर कब आएगा पता है, जब अब आपने खुद ने कब लास्ट साइकिल ली होगी, आप खुद सोचो अपने बच्चों के लिए खुद के लिए कब लिया होगा. तो साइकिल इतनी जल्दी खराब तो होती नहीं. अगर आपने एक कंटेनर भर के भी साइकिल कर दिया, नेक्स्ट टाइम कब ऑर्डर आएगा. तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. कि पहले बिजनेस की बात करो कि बिजनेस वर्सेस ये चल रहा है अपना, तो उसमें पॉइंट बता रहा हूँ कि लोगों से प्रोडक्ट के ऊपर आप कब रेडी हो बिजनेस के लिए. उसके बाद कैसा था अपॉर्चुनिटी क्या क्या है. आप ये भी देखो कि अगर बिजनेस में एंटर कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट के बेनिफिट वगैरह होता है, ये सारा होता है. अब जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हो ना, सो ऑलवेज रिमेंबर कि यू हैव टू टेक रिस्क बॉक्स ना, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा. उसके बाद वर्क स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपके लिए लोग कितना भी काम करेंगे ना, अल्टीमेटली आप अपने लिए ही पैसा कमाओगे. अगर मान लो आपके एम्प्लॉय फेल होता है कि ऑर्डर्स लाने में, बायर फाइंड आउट करने में आपको फेल होता है, सो अल्टीमेटली आपको उनकी सैलरी भी तो देनी है. तो आपको 3 महीने का बैकअप रिजर्व चाहिए आपका, कि हाँ 3 महीने तक अगर कोई सर्वाइव तो करना चाहिए आपका बिजनेस, एटलीस्ट मिनिमम इसे रखना. तो आपको 1 साल का, कि आप 1 साल तक अगर कुछ भी ना करो तो इतनी सेविंग होनी चाहिए आपके पास,
कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और 3 महीने तक इतनी सेविंग चाहिए उस 1 साल में से 3 महीने की, कि आपका बिजनेस को अगर चले भी ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट करने आपको पहले महीने बायर मिलेगा इसके एश्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपको बायर मिल सकता है बट आप टाइम कितना दे रहे हो बिजनेस में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द वे यू अप्रोच टू पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब इसमें कहते हैं जॉब में कैसा होता है, आप बोलते हो कि हाँ मेरे को जॉब करूंगा, पहले ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे.